Hello friends, welcome to my channel Sam's Creation 786. Friends, in today's video I'm going to stitch up and down kurti from 2 meters cloth in very easy and simple method. I've stitched this kurti for 20 years old girl. In this video I have shown very easy method of cutting this kurti. Nowadays it's very trendy, so let's get started. ये मैंने टापेटा कपड़े का यूज़ किया है. 2 meters का कपड़ा ले लिया है मैंने अप एंड डाउन कुर्ती बनाने के लिए. यहाँ पे मैंने हाफ मीटर का कपड़ा ले लिया है अपर बॉडीज बनाने के लिए. इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी पहले 2 में, उसके बाद मैं 4 में इसको फोल्ड कर लूँगी. मैंने 2.5 इंच का नेक मार्क कर लिया था, 3 इंच का मैं यहाँ पे शोल्डर मार्क कर रही हूँ और 3 इंच से एग्जैक्ट 7 इंच के डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं आर्म होल मार्क कर लूँगी और लाइन ड्रॉ कर लूँगी. और उसके बाद मैं इसे कर्व शेप में मार्क कर लूँगी. यहाँ पे मैं कर्व शेप में मार्क कर लूँगी इस तरह से और इसे कट कर लूँगी. यहाँ पे चेस्ट साइज में 36 इंच का रख रही हूँ और यहाँ से स्लाइंटली कर्व शेप में मैं मार्किंग कर लूँगी और अब मैं इसे कट कर लूँगी. और ये जो जॉइंट मटेरियल है मैं इसे कट कर लूँगी. ये मैंने बॉडीज़ के लिए लाइनिंग कट कर लिया है, इस पर मैंने पान गला मार्क कर लिया है और अब मैं उसे कट कर लूँगी. अब मैं इसे मेन बॉडी पे रख के इस तरह से स्टिच कर लूँगी और ये एक्सेस कपड़ा कट करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी. ये बैक साइड का लाइनिंग का कपड़ा है, यहाँ पे मैं नेक मार्क कर लूँगी बैक साइड से. यहाँ पे मैं 6 इंच का नेक मार्क कर रही हूँ और इसे सेमी सर्कल में मार्क कर लूँगी इस तरह से. यहाँ पे मैं सेमी सर्कल में मार्क कर लूँगी इस तरह से और अब मैं इसे कट कर लूँगी. यहाँ पे मैंने नेक सर्कल में कट कर लिया है और इसे साइड से मैं स्टिच कर लूँगी और एक्सेस कपड़ा कट करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी. ये मेरा पान शेप में गला रेडी है फ्रंट साइड का इस तरह से. और ये मेरे बैक साइड का नेक भी रेडी है इस तरह से. सर्कल में मैंने इसको रेडी कर लिया है, बहुत ही अच्छा लुक दिख रहा है इसका. अब मैं यहाँ पे अपने स्लीव्स कट कर रही हूँ. यहाँ पे मैं आर्म होल 9 इंच का मार्क कर रही हूँ और इस तरह से कर्व में मैं मार्किंग कर लूँगी और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन स्लाइंटली कर्व में मार्क कर लूँगी. और यहाँ पे मैं अपनी स्लीव्स लेंथ 10 इंच रख रही हूँ और अब मैं इसे कट कर लूँगी. यहाँ पे फ्लेयर स्लीव्स बनाने के लिए मैंने स्क्वायर कपड़े का यूज़ किया है. मैं इसे 4 में फोल्ड कर लूँगी. यहाँ पे टोटल मेरा 5 है तो मैं इसे हाफ में 2.5 ले लूँगी. यहाँ पे मैं स्लीव्स की फ्लेयर का लेंथ 10 इंच रख रही हूँ इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी उसको. अब मैं यहाँ पे इसे अटैच कर लूँगी इस तरह से. ये मैंने अटैच कर लिया है स्लीव्स पे और ये मैंने बॉडी से भी स्लीव्स अटैच कर लिए है. यहाँ पे मैं कुर्ती का फ्लेयर स्टिच करने जा रही हूँ. ये मैंने 1 मीटर का कपड़ा ले लिया है, इसे मैं 4 में फोल्ड कर लूँगी इस तरह से. कपड़ों को मैंने 4 में सेट कर लिया है. 29 इंच की यहाँ पे मैं लेंथ रख रही हूँ कुर्ती की और इस तरह से मैं इसको कर्व शेप में मार्किंग कर लूँगी. ये मैंने मार्क कर लिया है और अब मैं इसे कट कर लूँगी. यहाँ पे कट होने के बाद ये इस तरह का दिखेगा. ये मैंने क्लोथ कट कर लिया है और फ्रंट साइड का मुझे 19 इंच का चाहिए तो मैं कपड़े को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लूँगी इस तरह से. ये मैंने 19 इंच का ले लिया है यहाँ पे अपर साइड में लिफ्ट करके और इसकी सारी साइड्स में इस तरह से फोल्ड करके हेम कर लूँगी. अब हमें क्लोथ को इस तरह से फोल्ड कर लेना है. यहाँ
यहाँ पे मेरा कमर 30 इंच का है, इसलिए मैं इस तरह से 7.5 इंच की मार्किंग कर लूंगी। हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारा फ्लेयर रेडी है, बस हमें यहाँ पे अपनी बॉडीज अटैच करना है। इस तरह से सिलने के बाद हमारा फ्लेयर दिखेगा। ये मैंने स्टिच कर लिया है, बॉडीज से अटैच कर लिया है फ्लेयर को। बस इसमें साइड्स फिटिंग देनी है। और ये हमारा फ्रॉक रेडी टू वेयर है। इस तरह का लुक दिखेगा हमारा स्टिच होने के बाद। ये बैक लुक है और ये हमारा फ्रंट लुक है। और इस टाइप की कुर्ती आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। इस तरह की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।